आई के मिश्रा, केमिस्ट्री क्लास 12। रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स आर डिस्कस्ड टुडे। टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक एमीन्स, दैट इज एनिलीन। वी नो NH2 group is activating ortho and para derivatives. Aniline shows resonance structure, 5 को स्ट्रक्चर शो करता है। अब बताना है इस 5 स्ट्रक्चर में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पारा एंड ऑर्थो पोजीशन, हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। पारा इज मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू मोर सिमेट्री। आप दिखा सकते हो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को NH2 लोन पेयर है, यहाँ आ गया तो यह यहां आ जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर होगा डबल बॉन्ड NH2 प्लस हो गया, यहां माइनस हो गया, ये हो गया, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर फॉलो करेगा इन दोनों के बीच में, तो यह यहां चलाएगा, दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा NH2 प्लस, और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस और डबल बॉन्ड एक यहाँ है। इसके बाद चौथा हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2 प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये माइनस अब यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ हो गया और वहाँ हो गया। अब नेक्स्ट जो है फिर ये क्या होगा, यहाँ हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और पांचवा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा NH2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब इसमें आपको यही देखना है कि हम लोग यहाँ पर निगेटिव चार्ज ऑर्थो पर हुआ, फिर पारा पर हुआ, फिर ऑर्थो पर हुआ, ये 3 में सबसे अधिक डेंसिटी यही बनता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल्स सबसे मोर अटैक पारा पर करेगा, उससे कम ऑर्थो पर करेगा। तो पहला हम लोग देखेंगे इसमें ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन एनिलीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर टू फॉर्म व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन।
इसमें एक ही प्रोडक्ट बन जाता है ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जैसे एनिलीन हो गया NH2, ब्रोमीन वाटर नॉर्मल कंडीशन में ये बना लेता है NH2Br और फिर यहाँ Br 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये प्रोडक्ट बन जाता है। और फिर 3 ब्रोमीन यहाँ जुड़ता है और 3 हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना करके बाहर निकल जाता है। बट वी शुड ट्राई टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, गेट ए सिंगल डेरिवेटिव प्रोडक्ट, देन शुड प्रोटेक्ट NH2 ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग इफेक्ट डिक्रीज्ड। Protected by acetic anhydride to form N-phenyl ethanamide, which undergo substitution and followed by hydrolysis to give para bromo aniline, a single product. सिंगल प्रोडक्ट यहाँ देख लीजिए, एनिलीन हो गया, एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C OH का होल टू ओ, एसिटिक एनहाइड्राइड पाइरिडीन की उपस्थिति में इसको ट्रीट कराते हैं। इससे क्या होता है, NH2 ग्रुप जो है N एच और एच है, यह जो है एक एच रह जाएगा और एक एच के बदले में CO(CH3) लग गया। एन मिथाइल फिनाइल एन फिनाइल इथेनामाइड। अब इसका ब्रोमिनेशन करा दो, ब्रोमिनेशन कराने पर क्या होगा, यहाँ पर NHCO CH3 हो गया और यहाँ पर Br लग जाएगा, इसको फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस ये बन जाएगा NH2 यहाँ Br पारा ब्रोमो एनिलीन, यही मेन प्रोडक्ट होगा। इसी प्रकार से हम लोग कभी भी सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले उसको एसिटिक एनहाइड्राइड से प्रोटेक्ट करेंगे और उसके बाद तब सब्स्टिट्यूशन कराने के करा करके और प्रोडक्ट बनाएंगे। इसे दूसरा है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन जब भी होता है तो एसिडिक कंडीशन में होता है और एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, NH2 ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाता है, एच आयन एनिलिनियम आयन बना लेता है NH3+ एनिलिनियम आयन बन जाता है और एनिलिनियम आयन बनने के कारण एनिलिनियम आयन इज
मेटा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। सो पारा 51%, मेटा 49%, 47% और ऑर्थो 2% प्रोडक्ट फॉर्म। कैन यू राइट दीज रिएक्शन फॉर सिंगल प्रोडक्ट शुड प्रोटेक्ट NH2 ग्रुप।